कौन लोग आरती को पसंद करते हैं, कौन लोग मालती को पसंद करते हैं, कौन लोग किसको पसंद करते हैं, किसी भी यूट्यूबर को आप पसंद करते हैं तो कमेंट करिए। कहती है कभी देखिए कंट्रोवर्सी आरती की है, आरती के कारण ही कुछ लोगों के घर में चूल्हा जल रहा है। तो दोस्तों जिसको खुद के चरित्र का नहीं पता है वो दूसरों के चरित्र को दाग लगा रहे हैं। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं आरती छोटू लव यूट्यूब चैनल आरती और मोनू की। तो आप लोग जैसे कि देख रहे हैं कि आरती को क्या से क्या कहा जा रहा है और वाकिफ जो हैं उनसे वो जानते हैं आरती की हालत क्या, आरती की स्थिति क्या है। लोग कहते हैं आरती किसी के वीडियो में नहीं बोलती है, तो दो चार दिन से वीडियो उठा के देख लीजिए कि हंस के बोल रही है सबके। यहाँ घर आके न बोलने का एक ही कारण था कि लोग परेशान करने लगते थे और हम लोग खुद ही परेशान हो जाते हैं। और दूसरी बात है आरती का फायदा देखिए लोग उठा रहे हैं कि आरती चाहे बोले चाहे न तभी वीडियो जाना होता है, आरती के नाम से लोग कमा रहे हैं और आरती को ही बदनाम कर रहे हैं। आरती के नाम से कौन नहीं कमा रहा है, कौन नहीं कमाया है, जो लोग आरती का वीडियो डाले हैं सबका वीडियो चला है और सब कमाए हैं। आज आरती के कारण ही कुछ लोगों के घर में चूल्हा जल रहा है। तो हम कैसे कह दे कि आरती गलत है। और जिस तरह बोला गया था कि अपने जीजा को बाप को भाई को जेल में बंद करवा के यहाँ हवस मिटा रही है अपना, तो देखिए एक औरत होके औरत को कहना और कोई चीज़ कहना ये तो लाजमी नहीं मैं मानूंगा, क्योंकि देखिए प्यार और हवस हर औरत के अंदर दोनों होता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ पहले मेरी बात पूरी सुनिए। देखिए प्यार होता है प्रेम लोग इंसान से करते हैं, और जिसे आप हवस कहते हैं उसे शारीरिक मिलन कहा जाता है, शारीरिक संबंध। और पति पत्नी के यदि शारीरिक संबंध नहीं होता है तो जो मेरा युवराज है नहीं आता, आप समझ सकते हैं। तो कोई भी हो अगर मेरे माता पिता शारीरिक संबंध नहीं बनाए होते तो हम लोग आते हैं, तुम्हारे माता पिता शारीरिक संबंध बनाए होते तो तुम आती। देखिए दुनिया का रीति है, और हवस जो कहते हैं हवस उसे कहते हैं जो रेप करके छोड़ दें, रेप करके जो दूसरों का रेप कर देते हैं और दूसरे की बेटी बहनों को ताक रहे हैं झांक रहे हैं उनके बारे में हमेशा गलत सोच रहे हैं, और दूसरे की घर की बहन बेटियां भी कुछ कहने पर कुछ न बोले, हवस उसे कहते हैं। हवस इसे नहीं कहते हैं कि पति पत्नी का प्रेम होता है। अरे कैसे कह रहे हो कोई लोग कि आरती हवस मिटाने के लिए ही मन्नू से शादी की है। और दूसरी बात यह है कुछ लोग बोले साल भर के अंदर शादी हुआ, तो आरती अपने जबरदस्ती शादी नहीं की, उसके परिवार ने कराए। क्यों? क्योंकि जिस घर में एक जवान बेटा रह रहा है उसी घर में एक दूसरे घर की बेटी आके रह रही है, तो इसका मतलब क्या है? अब सोचिए उसका मतलब लोग चाहे कहते हैं कि भसुर को छूना नहीं चाहिए, हम ये कहते हैं कि भसुर कैसे माने, अब जब छोटू है ही नहीं तो उसको भसुर कैसे मानेंगे। ये कोई कुछ भी हो जाए, हमको ही हो जाए, किसी को भी हो जाए, नहीं हम ये कह रहे हैं करना नहीं, पड़ेगा। ये शादी की बात बताते हैं तो लोग जो कहते हैं शादी की बात, तो मेन शादी वाला जो है उनके माता पिता सब कराए, अचानक क्यों कराए? कि देखिए गांव समाज सबको ताना मारता है, और एक परिवार को एक लड़की को जिसका बेटा खो गया उसको अगर ताना मारे कि दूसरे का बेटी ला के बैठाया है तो कहीं ना कहीं उसको समाज की वो चीज वो गलतियां और वो समाज के वो ताना झेलना पड़ता है, सही है ना? तो क्या कहना चाहते हो ऐसे लोग को जो आरती को बदनाम कर रहे हैं? किसी को भोकने से कोई फायदा नहीं है, जिनको अपने से समझ ना आए। और आरती का नाम लेके जो वीडियो बन रहा है आरती को बदनाम करने के लिए नहीं, अपना डॉलर बनाने के लिए हो रहा है, सही है ना? कोई बदनाम नहीं कर रहा है, और बदनाम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि आरती के नाम से हम पैसा कमाएं।
याद रखिए, आरती के ही नाम से लोग तब पैसा कमा रहे थे जब आरती जो है उस समय उसका छोटू मर गया था, तब लोग जिसको माइक पता नहीं था क्या होता, वो माइक झूठे ले जाके लगा देता था और मिलियन व्यू जाने के बाद पैसा जब आता था बोला ये आरती के नाम से आया, सही है ना। और आरती घमंडी नहीं है, आरती अपने आप को स्टार भी नहीं समझती है, लेकिन आज देखिए आरती को दुनिया देख रहा है, आरती के उन विचारों को देखिए, उन बातों को। और आरती किसी को गलत नहीं कहती है, कभी देखिए कंट्रोवर्सी आरती की है, कोई भी उसको गाली दे किसी का नाम लेके आरती बोली है। कुछ लोग इस पे भी आवाज उठाए रहे थे कि आरती क्यों नहीं आई, अब आरती का प्रॉब्लम था। हम लोग जानते हैं ना, चाहे कोई जाने चाहे ना, हम लोग जानते हैं उनका क्या और दूसरी प्रॉब्लम बात था। है, आरती जो है बोली के कुछ लोग बॉडी गार्ड के रूप में, देखिए जो सच्चा होता है परिवार उसी के साथ उसका सपोर्ट करता है, ध्यान दीजिए, जो सच्चा होता है परिवार उसी के साथ उसका सपोर्ट करता है, और जो नहीं होता है उसके साथ चलने में शर्म आती है लोगों को कि हम अपने परिवार के साथ कैसे चले, लोग क्या कहेंगे। आज आरती को कोई सामने से कुछ कह नहीं सकता, लेकिन सोचिए जो लोग गलत किए हैं वो समाज में जाने से भी कतराते हैं, बिल्कुल तो सही, जो गलत करता है उसका परिणाम गलत होता है। मेरे माँ बाप सब लोग मेरे साथ रहते हैं, तो क्या मेरे बॉडीगार्ड हैं? मेरे साथ 4 लोग रहते हैं, क्या मेरे बॉडीगार्ड हैं? आज बात एक समाज पे, एक माँ बिहार बाप के, कैसे बॉडीगार्ड हो आज जाते हैं एक वही। बिहार की बेटी के ऊपर आँच उठी है इस चीज को लेकर के। देखिए आरती घमंडी नहीं है, ना ही उसके विचार घमंडी है, उसको लोग उस निचोड़ निचोड़ के निचोड़ निचोड़ के इतना रस निकाल लिए हैं कि अगर वो अपने से मेहनत ना करे तो कुछ नहीं कर पाएगी। और जो बाइक लिया है मोनू, वो कितना कर्जा किससे लिया वो तो वो जानता है कल बेचारा। कल नहीं परसों तो चरपैया ले पर चरपहिया की जो बात हुई थी, लेंगे चरपहिया की जो बात हुई थी, देखिए आरती की सिक्योरिटी जरूरी है। हाँ आज जो हम एक लोग से ज्यादा उसको जरूरी है, जान का खतरा भी है, इसलिए क्यों नहीं, क्योंकि जो लोगों से कह सकती है परिवार में इस तरह कर सकती है, जो की है तो उसको जरूरी है, जान का खतरा भी हो सकता है। और लोग कहते हैं आरती मनु को मारता है तो कोई सबूत दिखा दे तो मेरे यहाँ बाल जम जाएगा। कोई कह दे आरती मनु को मारता, मैं बताता हूँ आरती जिस तरह अगर कहती है मनु को ना, मनु वही सुनता है, क्योंकि देखो इसका मतलब मेहर महुआ नहीं है, उस तरह प्यार करता है। क्योंकि उस दिन जब हम लेके जा रहे थे ना, तो मनु जो है इसे चरखना कपड़ा पहन रहा था, आरती बोली पहन के नहीं जाना है, नहीं अच्छा लग रहा है, नहीं बोलो नहीं यही। आरती जब तक जबरदस्ती उनको सफेद वाला कपड़ा पहना नहीं दी तब तक घर से बाहर निकली नहीं। ये बताइए अब कहाँ से मनु, अगर मनु उसको मारता, उसको पूरा परिवार पीटता मारता, उसको दबाव में रखते, तो किस तरह मनु के कपड़े को चेंज करा सकती आरती, सोचिए, सही है ना यार। क्या ऐसे समाज में, देखो किसी के नाम से कमाना सब है, कमाने का ही धंधा है, मैं जानता हूं कोई किसी को अगर वो दिलाना है ना तो ये कोई नहीं ठीक कर हो जाए, नहीं सकता। तो तोरा ऊपर उठी लगी। नहीं जो सच्चे, देखिए मैं किसी का नाम लेके नहीं कर, जो लोग बदनाम कर रहे हैं, और रूप तारा ब्लॉक के घर रूप तारा सबको बुलाई थी, पूरे परिवार को बुलाई थी, जिसको बुलाई थी वो गए थे, जिसको नहीं बुलाई थी वो नहीं गए थे। उनको क्यों अब आज हो रहा है कि मैं रूप तारा के घर नहीं गई, मैं आरती से नहीं मिली? अरे आरती चाहे बोले चाहे ना बोले तब भी आरती के नाम से लोग कमा रहे हैं, ये कहाँ का इंसाफ है? अब आप बताइए आरती के नाम से लोग कमा रहे हैं ना, ऐसे ऐसे लोग आरती का उल्टा सीधा न्यूज डाल के लाखों रुपए छाप रहे हैं, उनसे आप कोई लोग नहीं कहने गए। आरती के आप व्यू को देखने के बाद, ए मिनट, ए आरती के वीडियो को व्यू देखने के बाद आपकी आंखें चकाचौंध हो गई है कि आरती इतना कमा रही, हमसे ज्यादा, हमारे हमारे ही 4 मिलियन सब्सक्राइबर है, लेकिन मैं किसी का वो नहीं करता, मेरे सामने एक सब्सक्राइबर वाला भी है ना, तभी वही चेक करता हूँ। तो छोटा बड़ा नहीं होता है, कौन क्या करता है ये मायने नहीं रखता है, कौन क्या कर रहा है मायने ये रखता है। तो आप लोग देखिए झूठे आरती को बदनाम मत करिए, और आरती के जो माता पिता जो देखिए जो गलत किया है वो तो गलत भोगेगा, हो चाहे किसी का क्या हो, कोई भी हो। जो है महाभारत किसमें हुआ था? अपनों में हुआ था।
अर्जुन भी अपने थे, कर्ण भी अपने थे, द्रौपदी भी अपने थे, दुशासन भी अपने थे और सब लोग अपने थे, लेकिन उसमें अभिमन्यु को भी चार लोग मारने वाले भी अपने थे, अभिमन्यु को चक्रव्यूह में मारने वाले भी अपने थे। तो ये बताओ, एक मिनट ये बताओ, उसमें क्या है? तब तो सबसे बड़ा महाभारत ही गलत है। कहता है घर के बेदी लंका ढाहे, जे न जाने वो अपने पाए। तो वही चीज है कि जो चीज अपने लोग नहीं देखते दूसरों का देखते हैं। ये आंखी ससुरा बना है ना अपना नहीं दूसरों का देखने के लिए, मालती ये आंख अपना नहीं देखता है, दूसरों का देखता है। हमारे उत्तर प्रदेश और यूपी बिहार हमारे इंडिया में क्या होता है कि जब हमारे यहाँ की लाइट चली जाती है ना तो अपने को यकीन नहीं होता, कब तक? जब तक दूसरे की घर की लाइट नहीं गई होती है तब तक नहीं यकीन होता है। और वही हो रहा है कि हमारा चैनल नहीं चल रहा है तो उसका भी नहीं चलना चाहिए, हम कमा नहीं रहे तो भी ना कमाए, हम इतना कमा रहे वो हमसे कम कमाए। अरे घंटा फर्क पड़ता है किसी को, अपना सम्मेलन करिए। और जो भी आरती को बदनाम कर रहे हैं, जो भी कह रहे हैं, आप देखिए आपके कहने से कुछ होने वाला नहीं है। आरती मेहनत कर रही है अपने ऊपर, अपने सास ससुर सबको देख झेल रही है, कर रही है। तो प्लीज उनका, आप लोग आरती के चैनल को सपोर्ट करिए। और कौन कौन आरती से मिलना चाहते हैं और कौन कौन आरती छोटू लव से प्रेम करते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइए। और कौन लोग आरती को पसंद करते हैं, कौन लोग मालती को पसंद करते हैं, कौन लोग किसको पसंद करते हैं, किसी भी यूट्यूबर को आप पसंद करते हैं तो कमेंट करिए, हम उनसे आपको वार्तालाप, उनसे मिलवाने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।